भागलपुर नगर निगम के वार्ड पार्षदों की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। आज वार्ड नंबर 13 के पार्षद सह स्थायी समिति के सदस्य रंजीत मंडल को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 8 अप्रैल को पर्वती की रहने वाली मुस्कान कुमारी नामक महिला ने थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वार्ड पार्षद रंजीत मंडल और उसके दो भाइयों के द्वारा उनके पति के साथ लाठी डंडे के साथ मारपीट की गई है। वहीं पीड़िता ने बयान दिया कि पति पत्नी जब बाजार से लौट रहे थे तो उनके भी कपड़े पार्षद के द्वारा फाड़े गए हैं। इसी बात को लेकर विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कोर्ट के द्वारा वारंट निर्गत किया गया, जिसको लेकर आज विश्वविद्यालय पुलिस ने रंजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं गिरफ्तार पार्षद का कहना है कि चुनावी रंजिश के कारण उन्हें फंसाया गया है। जबरदस्ती जो है एक औरत से जो है केस कराया गया 354B के तहत, ठीक है। और इसमें कराने में हाथ जो है आपका विपक्षी जो मेरा चुनावी रंजिश जो था वो शिवनंदन सहनी, दिवाकर सिंह जो जमदार साहब हैं, ये सब मिलकर जो है मेरे ऊपर ये इस तरह का केस करवाया। झूठा है, एकदम बिल्कुल गलत केस है। आगे आप हाईकोर्ट जाएंगे? हाईकोर्ट भी जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इस मामले को लेकर एक रिकॉर्डिंग भी है जो हमसे और आईओ से बात हुई है। आईओ एक्सेप्ट किया है कि आपके तरफ आपके ऊपर जो भी केस हुआ है वो गलत हुआ है। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सलून लुक सलून। लुक सलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सलोन अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सलोन के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। भागलपुर नगर निगम में फिर एक बार सफाई कर्मियों का प्रदर्शन देखा गया। जिस तरह भागलपुर शाखा के सफाई कर्मी प्रदर्शन करते दिख रहे हैं, उससे शहर में फिर से कूड़े का अंबार लग सकता है। भागलपुर नगर निगम में सफाई कर्मियों ने आज हल्ला बोल प्रदर्शन किया, जिसमें साफ तौर पर उन लोगों का कहना है कि हम लोगों का 1.5 करोड़ रुपये इससे पहले जिस कंपनी के तहत हम लोग सफाई का काम करते थे उन लोगों ने नहीं दिया है। जब तक पुरानी राशि हम लोगों का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक हम नए कंपनी के साथ काम नहीं करने वाले। वहीं सफाई कर्मियों ने जमकर नगर निगम में बवाल काटा और नगर निगम के पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करते दिखे। उन्होंने कहा, यह मनमानी नहीं चलेगी, हमारे वेतन को वापस देना होगा, तभी हम लोग फिर से काम पर लौटेंगे। प्रदर्शन के दौरान दर्जनों सफाई कर्मी नगर निगम परिसर में मौजूद रहे। भागलपुर के मिर्जानहाट मोहल्ले की रहने वाली डोली कुमारी पति के द्वारा मारपीट कर दहेज की मांग करने को लेकर पिछले 3 दिनों से बांका के बिलहर थाना और भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना के चक्कर काट कर परेशान हो गई है, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा जब्त नहीं की गई तो पीड़िता DSP वन प्रकाश कुमार से अपनी गुहार लगाने पहुंची, जहां उन्होंने DSP से मिलकर उसके साथ हुई मारपीट और दहेज की मांग को लेकर शिकायत की, जिस पर DSP ने महिला थाने में केस करने के लिए पीड़िता को भेजा है। दरअसल डॉली की शादी बांका के बिलहर थाना क्षेत्र के रहने वाले बिट्टू कुमार से पिछले साल मई महीने में हुई थी और उसके बाद से ही दहेज की मांग को लेकर पति के द्वारा उसकी पिटाई की जाती थी, जिसके बाद 5 दिन पहले पीड़िता की पति के द्वारा एक बार फिर पिटाई की गई, जिसके बाद पीड़िता के माता पिता के द्वारा 112 को फोन किया गया और ससुराल से बेटी और उसके एक मासूम बच्ची को भागलपुर ले आए हैं और अब महिला थाने में पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। मेरा नाम डॉली कुमारी। कहाँ घर हुआ? मिर्जानहाट भागलपुर। क्या हुआ है? मेरा शादी हुई थी अगले साल 26 मई 2022 को और ससुराल मेरा निमिया निमिया थाना बेलर पड़ता है। लड़का का नाम है बिट्टू कुमार सा। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद शादी होने के बाद वहाँ जाने के बाद
थोड़ा बहुत पहले मारपीट होता था, इधर से 6 महीने से कुछ ज़्यादा मारपीट होने लगा, और फिर मेरी एक बेटी हुई है उसके बाद फिर हमको बेरहमी से मारे हैं। पता नहीं क्या है, ऐसे ही बहस करते करते सास और गोतनी दोनों मिल करके बाहर से चिटकिनी लगा दी और मेरे पति बेल्ट से हमको मारे। तो हम किसी तरह अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके वहाँ पे बुलाए। कारण हाँ सर, मेरी सास का कहना है कि मेरा इतना खर्च हुआ है, उतना पैसा लेके आओ। कितना? 3 लाख उनका खर्च हुआ है, 3-4 लाख। तो वही बोलते बार बार कि इतना पैसा ले करके आओ, यही सब वजह से। कौन मारता? बिट्टू मारते हैं, पति जी। अब क्या करने आए? हम केस करेंगे। कब से घूम रही थी? कौन कौन थाना गए? दो, एक पहले बेलर से आए जहाँ मेरा ससुराल है, बेलर थाना से, फिर यहाँ हम अपना मुजाहिदपुर आए तो वहाँ पे नहीं लिए, वो बोले बेलर ही लेंगे, और बेलर से तो वो लोग मिले हुए हैं, तब यहाँ से भी नहीं लिए तो फिर आज आए हैं यहाँ पे। क्या बोले डीएसपी साहब? डीएसपी साहब बोले कि हो जाएगा, केस करना है। बोले जी सर, तो बोले जाइए महिला थाना, वहाँ हो जाएगा। यहाँ भी ले लिए हैं, एक आवेदन वहाँ देने के लिए बोले हैं। नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के ध्रुवगंज के रहने वाले संतोष दास पिछले 10 दिनों से गायब हैं। गायब ट्रक ड्राइवर की खोज परिजनों के द्वारा लगातार की जा रही है। वहीं गायब संतोष की पत्नी सविता देवी नौगछिया के खरीक थाने से लेकर भागलपुर के लोदीपुर थाने के साथ साथ जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगातार काट रही है, लेकिन न तो पुलिस ने मामला दर्ज किया और न ही उनके पति की खोजने की कोई कोशिश शुरू की गई है। पीड़ित महिला का कहना है कि उनका पति ट्रक ड्राइवर है और एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में गाड़ी चलाता है। वहीं पत्नी को शक है कि लोदीपुर थाना क्षेत्र में एक ढाबा चलाने वाले संजू नाम की महिला से उसके पति की बात लगातार मोबाइल पर होती थी। पत्नी को शक है कि उसके पति को गायब करने में उसी महिला का हाथ है, लेकिन वरीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काटने के बावजूद भी आज तक थाने में मामला दर्ज नहीं किया जा सका और परिजन किसी अनहोनी की आशंका से परेशान है। मेरा पति ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा था, तो एक ढाबा वाली है और ढाबा वाले से बात उठ कर रहा था। ये ढाबा वाली उसको फ़ोन करके बुलाया, वो घर से 10 दिन से गायब है। जब इसको मैं फ़ोन करते हैं कि मेरे पति को कहाँ दिया, वो बोलता कि उसको भूल जाओ नहीं तो हम उसको मरवा देंगे। 10 दिन से नहीं पता, हमको डर है तो कुछ मरवा नहीं दे उसको। कहाँ कहाँ गए थे? खरीक गए, खरीक थाना, सजौर थाना गए, लोदीपुर थाना गए। क्या कहा? सब ने अपने अपने जिला भेज रहा था। खरीक भेजा, खरीक से आया है खोजने के लिए। कहाँ है आपका घर? हुआ उस खरीक ध्रुवगंज। ध्रुवगंज पति कहाँ से गायब हुआ है? भागलपुर से। कहाँ? लोदीपुर जीछो है ना, जीछो। क्या कहे डीएसपी साहब? डीएसपी साहब बोला कि लोदीपुर जाओ, हम उसको केस करवा लेते, आपको पति को ढूंढवा देंगे। बोले हाँ, अभी बोला कि जाओ लोदीपुर। थाना घूम रहे? कितने दिन से? 8 दिन। 8 दिन? 8 दिन से थाना घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, हमको डर है कि मेरा पति कहो कुछ करवा ना दो लेडीज ने। इसको लेडीज के बारे में पता किए तो बोला 3-4 पति कर रखा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 64वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने किया। कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के साथ साथ वर्तमान में बेहतर काम करने वाले कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलकामांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया, उसके बाद कुल ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ और फिर सामूहिक रूप से विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति एवं सभी पदाधिकारियों ने विधिवत दीप
प्रज्वलन का कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान कुलगीत, स्वागत गीत एवं अतिथियों का सम्मान एवं स्वागत भाषण की प्रस्तुति हुई। फिर अतिथियों ने अपना उद्बोधन दिया, साथ ही अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की ओर से सम्मानित किया गया एवं श्रेष्ठ कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। नव निर्वाचित अभिषद सदस्य का स्थापना ग्रहण एवं सम्मान समारोह के कार्यक्रम के बाद कुलपति द्वारा अध्यक्षीय भाषण से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान कुल सचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कुलपति ने अपने उद्बोधन में विश्वविद्यालय के इतिहास से लेकर बजट और शैक्षणिक सत्र की कई जानकारियां दी एवं विश्वविद्यालय को और सुदृढ़ और विकासशील बनाने के लिए कई बातें रखी। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 64वें स्थापना दिवस पर लगभग सभी महाविद्यालय के बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य गीत संगीत की प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल, कुल सचिव डॉक्टर गिरिजानंदन कुमार, छात्र कल्याण के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र के अलावे सभी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी, कर्मी व छात्र छात्राएं मौजूद थे। 1960 बिहार में दो विश्वविद्यालय बने थे उस दिन, एक रांची विश्वविद्यालय, दूसरा भागलपुर विश्वविद्यालय। 64वां वर्ष गुजर रहा है। महान कथाकार शरद चंद किसी विश्वविद्यालय के हिस्से रहे, 3वीं कॉलेज में पढ़ते थे। 3-3 मुख्यमंत्री यहाँ रहे, दारोगा प्रसाद राय, जगन्नाथ मित्र जी, सतीश कुमार सिंह जी, यहाँ तक भोला पासवान शास्त्री, ये 4 मुख्यमंत्री यहाँ रहे। अभी ज्ञानेंद्र पति, राजकमल चौधरी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वो मौजूद हैं। बहुत सारे IAS डॉक्टर्स जो भागलपुर के हैं, ज़्यादातर यहीं से उन्होंने पढ़ाई की है। विश्व में भी बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स, बहुत सारे वैज्ञानिक यहाँ उन्होंने पैदा लिए। एक लंबा और सांस्कृतिक इतिहास है, समृद्ध इतिहास है। हम लोग स्थापना दिवस कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल जी के नेतृत्व में मना रहे हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पिछले कुछ दिन पहले PhD के लिए इंट्रेंस परीक्षा ली गई थी, जिसका परिणाम 1 जुलाई को घोषित किया गया था। वहीं अब पेट के विद्यार्थी अपने परिणाम को देखने के लिए विश्वविद्यालय पहुंचे तो रिजल्ट कहीं भी नहीं दिखाया गया, न ही साइट पर था। उसके साथ 3 जुलाई को रिजल्ट प्रकाशित हुआ था। वहीं जितने भी पैट के परीक्षार्थी हैं वो काफी आक्रोशित दिखे। उनका साफ तौर पर कहना है कि रिजल्ट में धांधली हुई है, जिसके चलते कई विद्यार्थियों का रिजल्ट के परिणाम अच्छे नहीं दिए गए हैं। कई वर्षों से परीक्षा के कॉपी दिखाए जाते थे, लेकिन इस बार नहीं दिखाए जा रहे। हमें परीक्षा की कॉपी दिखाई जाए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय में रिजल्ट को लेकर धांधली हुई है। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाती, तब तक हम लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं प्रदर्शन के दौरान पैट के दर्जनों छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के परीक्षा नियंत्रण कक्ष के सामने हल्ला बोल प्रदर्शन करते दिखे, आंदोलन कर रहे हैं। पैट परीक्षा परिणाम जो आया हुआ है उसके उत्तर पुस्तिका दिखाने की मांग हम लोग कर रहे हैं। और मुख्यतः मांग हम लोगों की ये है कि पैट परीक्षा का जो कॉपी जो चेक किया गया है उसमें बहुत सारी कुरीतियां हैं और धांधली भी हुई है, और हम लोग का सिर्फ एक मुख्य मांग है, कॉपी दिखाया जाए ताकि हम लोग संतुष्ट उत्तर पैट की जो उत्तर जो पुस्तिका जो उसमें चेक की गई है उसमें निष्पक्षता से नहीं चेक की गई है। 1 तारीख को रिजल्ट प्रकाशित होती है, 3 तारीख को विद्यार्थियों, 1 तारीख को ही बता देते हैं कि रिजल्ट प्रकाशित हो गया, लेकिन विद्यार्थियों तक 3 तारीख को रिजल्ट पहुंचता है। उसके बाद हम लोग का जो है कॉपी में बड़ा धांधली हुआ है, पैसे लेकर सबको रिजल्ट क्लियर किए हुए हैं, और हम लोग मुख्य मांग रख रहे हैं कॉपी दिखाया जाए, लेकिन उस पर मुकर रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन। अगर उन लोगों को ऐसा है कि मतलब धांधली नहीं किए हैं तो कॉपी दिखाते 2018 में, 22 में, 20 में, 22 में तो नहीं, उन 21 में, 20 में पहले भी कॉपी दिखाई गई है, इस बार बोल रहे हैं कॉपी नहीं दिखाई जाएगी, तो क्यों नहीं दिखाई जाएगी? और हमेशा से हम लोगों के साथ मतलब ये इस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे रिजल्ट में बड़ी मात्रा में धांधली हो रही है, फिर हम लोगों के साथ पैट के परीक्षा परिणाम जो घोषित की गई है परीक्षा में भी धांधली की गई है, क्योंकि 3 घंटे का कॉपी में एडमिट कार्ड में जो टाइम दिया गया 1 घंटे में ये कॉपी लिए हैं, 2 घंटे में फिर इनका रिजल्ट वो करते हैं, सेकेंड पेपर को भी 3 घंटे का टाइम दिया गया, 2 घंटे में टाइम ये एग्ज़ाम का कॉपी ले लेते हैं, इस तरह का घटना हुआ है। और 5 दिन के अंदर परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जाता है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। रिटायर्ड प्रोफेसर के द्वारा कहाँ लिखा हुआ है UGC Law में कि उनसे सेवा लिया जाएगा।
भागलपुर में कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। जिला खरीक प्रखंड के सिंहकुंड गांव के अस्तित्व खतरे में है। यह कोसी नदी की धारा गांव की ओर मुड़ गई है और कटाव तेज हो गया है। कटाव और कोसी के विकराल रूप से ग्रामीण भयभीत हैं। वहीं ग्रामीणों में सरकार और जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश है। वर्षों से यही कटाव जारी है। गाँव आने का एकमात्र साधन नाव रह गया है, लेकिन जनप्रतिनिधि सूद नहीं ले रहे हैं। अभी कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी होना शुरू हुआ है और यह हालत है। जलस्तर में बढ़ोतरी होने के बाद हालत और बिगड़ेंगे। ग्राउंड जीरो पर हालत डराने वाले हैं। क्या स्थिति को आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है? कोई चीज का कोई प्रबंधन का कोई चीज नहीं कर रहा है। कोई नेता नहीं आ रहा है, खाली वोट मांगने के लिए सिर्फ आ रहा है। उसके बाद कोई नहीं, अगर आता है वोट मांगने के लिए तो सबको कार्यकर्ता बना लेता है, झंडी थमा देता है और सला कोई चीज बाद में देखने के लिए आता है क्या स्थिति है गाँव का, समझ रहे हैं ना आप लोग? देखिए अजय मंडल यहाँ से गया कि हमें पार ठीक कर देंगे, हम गाँव का विकास कर देंगे। असला हम ही लोग नदी में बह रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा, एक बार देखने तक नहीं आया है। बोला था हम लोग, हमारे जो इंजीनियर साहब आए थे वो क्या बोले, जिनको जानते हैं, बाइक पर घुमा के यहाँ गाँव में उनको मतलब बाइक पे चढ़ा के पूरा गांव दिखाए थे। आने के बाद उन्होंने बोला था कि हम जीतेंगे और यहाँ मतलब विकास का जो है बारिश होगा, और देख रहे हैं आज किस चीज का बारिश हो रहा है। आप लोग तो देख ही रहे हैं क्या किस चीज का बारिश हो रहा है। हम लोग बारिश से बाहर है, पहले बोल रहा था एक नदी को घर को नहीं बनने दिया। ये देखिए अभी तक एक बार भी चुनाव के बाद एक बार भी मिलने तक नहीं आया यहाँ किसी से, यहाँ के जनता से कभी। देखने इतना कटा हो रहा है, अभी देखिए ये इधर एक बार कैमरा इधर दिखाइए, ये देखिए ऐसा परिस्थिति है यहाँ पे। इस सीधा में नदी था, अभी कितना कट गया इस महीने भर के अंदर, आप अंदाजा लगाए अभी 2 से 2.5 महीने तक मतलब बाढ़ आएगा, फिर बाढ़ पानी नीचे जाएगी, फिर से कटा होगा, फिर कटेगा ये पूरा का पूरा, इस बार गांव बचेगा नहीं। मेरा नाम संतोष कुमार है। क्या स्थिति है गांव का? स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, आप लोग भी आए हैं, बाकी सब तो यहाँ देख ही रहे हैं कितना दिन से ये क्या चल रहा है। यहाँ विधायक भी आया, विधायक को एक बार आप लोग सुने होंगे कि यहाँ पे बंधक बना के रखा है कि काम होना चाहिए ना, तो यहाँ से आया SPD SP आया, सब आया, देख के गया, कुछ नहीं हुआ। इंजीनियर सलेंदर इंजीनियर, ठीक ना, अजय मंडल है, जीत के गया यहाँ से। सांसद सब का क्या है, आया कहाँ? आज तक कुछ नहीं आया, देखने के लिए भी नहीं आया, नहीं कोई नहीं मतलब ही नहीं है, कोई सहायता, कोई सहायता नहीं मिला है अभी तक। कितना घर करके किस, बहुत ऐसा घर है कि जिसमें की सेटिंग लगा हुआ चला गया। अच्छा, जो परिस्थिति है अभी, ऐसा क्या लगता है गांव बच पाएगा? नहीं, इस तरह अगर नहीं कुछ काम होगा तो जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह। भागलपुर की मां नंदी संस्था जो वर्षों से महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण और अन्य सामाजिक कार्यों को लेकर कार्य करती आ रही है, कई असहाय और जरूरतमंद लोगों को स्वरोजगार की ओर अग्रसर कर रोजगार मुहैया कर आज निशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ब्यूटिशियन कोर्स, सिलाई कढ़ाई कोर्स के साथ साथ अन्य कई प्रकार की ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रही है। इसका विधिवत उद्घाटन आज भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव, रेणु सिंह एवं मां नंदी संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं मौके पर मेयर ने कहा कि मां आनंदी संस्थान की यह पहल समाज को एक नई दिशा देगी और इस कार्य के लिए मैं संस्थान की संस्थापक प्रिया सोनी को धन्यवाद देती हूं। वहीं प्रिया सोनी ने कहा कि आज समाज की स्थिति को देखते हुए मैंने इस निशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया है, जिससे हमारा समाज शिक्षित हो और स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बने और मजबूत हो। प्रिया सोनी जी, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्य किया और करते ही आ रहे हैं। तो देख रहे हैं कि कई दिनों से, कई महीनों से ये अपना कार्य कर रही हैं और दक्षिणी क्षेत्र को अब इन्होंने चुना है और यहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाने का काम इन्होंने किया है और इसका बीड़ा उठाया है। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इनको बधाई देती हूँ कि आप इसी तरह से लगे रहिए, मैं आपके साथ, जो भी हेल्प होगा, जो भी करना होगा, मैं भी आपके साथ। श्रावणी मेला में प्रत्येक दिन लाखों कांवरिया सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर बाबा नगरी के लिए रवाना हो रहे हैं। कांवरियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। चप्पे चप्पे पर CCTV, अतिरिक्त पुलिस बल के साथ 7 जगहों पर अस्थायी थाने बनाए गए हैं। सभी कांवरिया कांवर उठाने से पहले गंगा नदी में स्नान करते हैं और गंगा जल भरते हैं। इस दरमियान किसी तरह की घटना न हो जाए, इसको लेकर SDRF की टीम लगातार मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। एक दिन पहले 2 कांवरिया जो पटना से चलकर सुल्तानगंज पहुंचे थे, वो
जल भरने के दौरान डूबने लगे थे। एसडीआरएफ की टीम ने अपनी तत्परता दिखाते हुए दोनों कांवरिया को बचा लिया। वहीं आज देखा गया था कि एसडीआरएफ की बोट के इंजन कुछ गड़बड़ हो गए हैं। वहीं जब एसडीआरएफ के नेतृत्वकर्ता कमांडर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इंजन जल्द ही दुरुस्त कर दिया जाएगा और फिर से हम लोग कार्य में जुट जाएंगे।